तो और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई हमारे पास आया हुआ था एक ओल्ड वाली माइस्ट्रो का डिजिटल मीटर। ठीक है, तो ये जो मीटर है भाई, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र से आया हुआ था। तो हम लोग इसका जो है फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये जो है, मतलब आप लोग देख ही सकते हो कितनी तगड़ी पैकिंग है भाई। थोड़ा मतलब प्रोफेशनल लुक दे रहा है ये पैकिंग। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं भाई। कपड़े पे टेप वगैरह मार के भाई ने भिजवाया हुआ है। ठीक है, तो अभी इस बॉक्स को निकालते हैं। और थोड़ा जिद्दी टाइप का ये पार्सल था, मतलब पैकिंग था, जल्दी खुल नहीं रहा था। ठीक है, मैं सोच रहा था कि यार शॉर्टकट से खोल लूँ मैं, और उसके बाद अच्छे से जो है उसको वापस उसी में भेज दूँगा मैं। लेकिन भाई ये मतलब खुल ही नहीं रहा था ऐसा। ठीक है, तो इधर से मैं टेप को पूरा खींच लेता हूँ, और जो है मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखो निकल गया इसे। और ये जो है इतनी आसानी से भाई निकल गया, वैसे जल्दी निकल नहीं रहा था। लास्ट में बहुत आसानी से ये मीटर का बॉक्स जो है अनबॉक्स हो गया। और ये जो भाई भाई का लोकेशन नंबर मैं हाइड कर देता हूँ भाई, उंगली से दबा के वो। अभी ठीक है, हाँ ठीक है भाई, देख सकते हो। अभी जो है इसको डब्बे को भी फाड़ते हैं, और इसमें से मीटर बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या भाई ने भेजा हुआ है। वैसे भाई ने डिस्प्ले वगैरह जो है, डिस्प्ले या फिर मोटर, मतलब दो चीज़ लिया हुआ था, और भाई इसको जो है ठीक नहीं कर पा रहे थे। देखते हैं हम क्या ठीक इसको कर पाएंगे। तो ये सब जो है तीन आइटम पड़े हुए हैं, मोटर सोटर पता नहीं क्या क्या भाई ने भेजा हुआ है, तो उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले मीटर देखते हैं, मीटर ऑन करके भी देखते हैं और किस कंडीशन में है मीटर, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और पन्नी है भाई, इसको भी हटा लेते हैं। हीरो की पन्नी है ये, इसको हटाने के बाद मीटर जो है ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये कंडीशन है भाई मीटर की। अभी जो है इसको मैं चालू करके भी दिखाता हूँ आप लोग को कि चालू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और भाई ने बहुत ही ज़्यादा इस पर ट्राई कर चुके हैं, और उनको इस पर जो है सक्सेस नहीं मिला इस मीटर को ऑन करने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जो डिस्प्ले के पीछे लाइट जलती है वो जल रही है। ठीक है, मैं लाइट बंद करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो एक लाइट होती है, जिसको स्टॉक लाइट, पीली लाइट, जो भी आप बोल लो, डिस्प्ले की बैक लाइट, ठीक है, वो जल रही है। तो अभी इसको स्क्रू वगैरह सारे खोलते हैं, और इसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं क्या रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये माइस्ट्रो ओल्ड की मीटर है, और ये देखिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब इस मीटर बॉक्स को अनबॉक्स कर रहे हैं। इसके अंदर से पीसीबी बाहर निकालना है हम लोग को। तो ये देखिए ये साइड में गया, और ये सब को भी साइड में भेज देते हैं। तो भाई ऐसा कुछ हम लोग का जो है पीसीबी दिख रहा है। ठीक है, इन सबको साइड कर देते हैं एक एक करके। मेरा काउंटर जो है जिस पर मैं काम करता हूँ वो थोड़ा छोटा है, तो क्योंकि मेरा घर उतना लंबा चौड़ा या फिर जो है मेरा दुकान उतना लंबा चौड़ा नहीं है, जिसकी वजह से मेरा काउंटर छोटा है भाई। तो काम चला लेते हैं, वो तो मेरा कर्म है भाई, जो मेरे किस्मत में है भाई मेरा कर्म है। ये देखो ये जो है भाई, इसमें हल्का फुल्का जो है डिजिट आ रहा है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। इसे कैमरे में दिख रहा है, आँखों से नहीं दिख रहा है ये, मैं भी देखा तो हैरान हो गया। और यहाँ पर जो किलोमीटर रीडिंग होती है वो भी माइनस में है, मतलब कि मुझे साफ साफ दिख रहा था जो इसका एमसीयू होता है, मतलब कि प्रोसेसर आईसी, वो ख़राब है भाई। ठीक है, तो मैं इसके जगह पे दूसरा प्लेट लगाने वाला हूँ, और अभी आप लोग को चालू करके दिखाता हूँ कि जो बढ़िया वाला प्लेट का जो नंबर आता है वो कैसा आता है। ये देखिए, ये देखिए, ये दूसरा प्लेट है, और ये दूसरा पीसीबी है, एकदम प्रॉपर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, सब एकदम फुल एचडी में आ रहा है। भाई ने बोला इसमें वाइट लाइट अप्लाई करने का, तो इस पर वाइट लाइट भी अप्लाई कर देते हैं, और तो इसको फटाफट अप्लाई कर देते हैं भाई। ठीक है, और क्या कह रहा था मैं कि हाँ, उस मीटर पे मतलब भाई ने जो पीसीबी भेजा था उस पर मैंने काफ़ी ट्राई किया, सब कुछ अच्छा था, बस वो जो है प्रोसेसर ऐसी वो ख़राब थी, तो उसको हम साइड कर देते हैं भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसको अगर जो हम लोग रिप्लेस भी करेंगे, तो जो हम लोग का जिस भी मतलब कि उसको रिप्लेस करेंगे तो भाई जल्दी वो सक्सेस नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं है उसको रिप्लेस करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको टाइट कर लेते हैं अच्छे से,
ताकि हमारा जो डिस्प्ले पे नंबर है वो अच्छे से आए, HD में आए, ठीक है। इसको टाइट करने का यही रीज़न होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये अच्छे से टाइट हो चुका है। अभी इसको चालू करके देखते हैं। अगर आपको भी मीटर रिपेयर कराना है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको इधर मतलब ऊपर दिख रहा होगा वीडियो में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा लोकेशन आपको मिल जाएगा, मीटर रिपेयरिंग से संबंधित हर एक चीज़ पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए, इसको चालू करते हैं हम लोग। और ये कुछ, ये देखिए चालू हो चुका। ओहो, थोड़ा सा नंबर कट रहा है। इसका मतलब कि जो इसका पीछे का जो टाइट करने का जो सिस्टम होता है, थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने उसको टाइट कर लिया, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो है टेबल टेस्टिंग वीडियो है। ये पूरा जो है माइस्ट्रो, ओल्ड वाली माइस्ट्रो का जो है पूरा टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। भाई ने बोला था एक टेस्टिंग वीडियो भी बना के भेज देना, तो मैं बोला चलो भाई एक टेस्टिंग वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं इसी बहाने। तो ये देखिए, फ्यूल वगैरह जो है एकदम फुल पे कर रखा है मैंने, और जो स्पीड वाली कांटे हैं मतलब स्पीड नीडल, उसको मैं थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और ट्रिप में भी एकदम अच्छे से सब कुछ चल रहा है, और वाइट लाइट भी अच्छे से अप्लाई कर दिया गया है, और एकदम बेटर काम कर रहा है भाई। और ये जो है 35 किलोमीटर चला हुआ है, ये जो दूसरा PCB मैंने डाला हुआ है, मतलब कि शुरू से स्टार्ट होता है ये सब। जब आप दूसरा PCB डालोगे तो फिर शुरू से स्टार्ट होने लगेगा, मतलब कि आप कह लो कि PCB जो है जब नया होता है तो शुरू से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी जो है हम इसको हटाते हैं, और फ्यूल वाला जो एक बार और लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा डाउट मन से निकल जाए हमारे, ठीक है। तो ये देखिए, अभी ठीक हो चुका, इसका मतलब सब कुछ ओके है भाई। अब भाई को ये मीटर देने के लिए रेडी है, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कुछ सीखने को मिले तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। तो ये देखो कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी इसको जो है हम लोग, ये देखो ये पुराना वाला मदरबोर्ड है जो भाई ने इस बॉक्स में भेजा था डब्बे में, ठीक है। ये पुराना वाला मदरबोर्ड है भाई, इसका जो MCU ख़राब हो चुका है, ये हमारे लिए एक कबाड़ के रूप में है, इसको हम लोग किनारे दफन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो लाइक ज़रूर करो, ठीक है। ये देखो एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखो इसमें ज़्यादा कोई कलाकारी नहीं है भाई मीटर रिपेयरिंग करने में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई भी कलाकारी नहीं है, सब कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन देख समझ के ही करना, मतलब समझ लो कि आधा ज्ञान, अब आगे पता ही होगा आप लोग को, आधा ज्ञान लेके लेकिन नहीं करना चाहिए। ये देखिए सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है भाई। मैंने काफ़ी देर तक इसको टेस्टिंग किया, ठीक है। अभी इसका जो कवर में है उसको मैं कवर, ये देखिए इसका जो कवर है इसको मैं मतलब टाइट कर देता हूँ। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है मीटर, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम दिल खुश हो गया इस मीटर को देख के मुझे। और भाई के लिए ज़रूर लाइक करें जो रत्नागिरी महाराष्ट्र से भेजे हुए हैं माइस्ट्रो ओल्ड का डिजिटल मीटर, ठीक है। इतना ट्रस्ट आप लोग बनाए रखे हैं भाई, थैंक यू उसके लिए। और आप लोग जो है सब्सक्राइबर लोग ही मतलब मेरे पास मीटर वगैरह भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। आप लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर नहीं, मेरे फैमिली के जैसे हो। और इसका जो ट्रिप बटन है उसको भी हम लोग लगा लेते हैं, ये डंडी होती है कुछ ऐसी, इसको भी लगा लेते हैं भाई, प्लास्टिक की होती है। और इसको दबा के एक बार देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी परफेक्ट काम कर रहा है, और सब कुछ ओके है भाई। इसका जो स्पीड है मैंने 100 पे करके रखा है, आप लोग देख सकते हो ट्रिप का जो रीडिंग है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई मैं चलता हूँ पैक करने इस मीटर को, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो भी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन रहता है। और मैं इसको जो है फिर से जो है बॉक्स में पैक वगैरह करके भाई को भेज देता हूँ महाराष्ट्र रत्नागिरी। तो भाई थैंक यू देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।